नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली करेंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 विषय पर चर्चा करेंगे। भारत लिथियम, कोबाल्ट, निकल, बेरिलियम और टैंटलम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका देशों पर निर्भर है, जबकि परमाणु खनिज निदेशालय और सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र ने अवलोकित किया है कि भारत की अद्वितीय भूवैज्ञानिक और टेक्टोनिक संरचना संभावित खनिज संसाधनों की उपस्थिति के अनुकूल है और इसका भूवैज्ञानिक इतिहास पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका के खनन समृद्ध क्षेत्रों के समान है। हालिया देश में निजी निवेश को आकर्षित करने और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात निर्भरता को कम करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। भारत में खनन को विनियमित करने वाला मुख्य कानून खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 है, जिसमें वर्ष 2015 और 2021 में संशोधन किया गया है। वर्तमान संशोधन विधेयक देश में महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षित करने के प्रावधान करता है। इस संदर्भ में यह विधेयक 6 खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें लिथियम भी शामिल है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और अन्य ऊर्जा भंडारण समाधानों में किया जाता है। पहले इन 6 खनिजों की खोज और खनन को परमाणु खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इनका खनन सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं तक ही सीमित था। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम कोयला और लौह अयस्क जैसे सतही और भारी खनिजों का पता लगाने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, लेकिन जोखिमपूर्ण परियोजनाओं पर अधिक खर्च और लंबी अवधि के कारण गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा हाल की घटनाओं जैसे रूस का यूक्रेन पर आक्रमण ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता को भी रेखांकित किया है। उपर्युक्त संदर्भ में खान और खनिज विधेयक 2023 निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। इसमें कुछ खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से बाहर कर दिया गया है, जिससे निजी अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विधेयक में अन्वेषण लाइसेंस और प्रतिस्पर्धी बोली के प्रावधान निजी भागीदारों को सशक्त बनाते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 भारत के खनिज अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश की भूवैज्ञानिक क्षमता को उजागर करने, आयात निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा एवं तकनीकी प्रगति का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद।